अब रूल नंबर सेवन ये कहता है कि जो भी आर डी बी एम एस है उसके अंदर रिलेशनल लेवल ऑपरेशन की सपोर्ट मौजूद होगी अब जस्ट टू गिव यू द कंप्लीट परस्पेक्टिव जित आ, जो ई एफ कोड है जिसको जिसकी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ही वॉज बेसिकली अ मैथमेटिशियन तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी हम हम डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट जिस कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये मैथमेटिक्स से बहुत रिलेटेड है जितनी भी ये डेरिवेशन है ये बेसिकली मैथमेटिक्स से ही ड्राइव हुई है तो जब हम ये कह रहे हैं कि रिलेशन लेवल ऑपरेशन की सपोर्ट मौजूद है तो इसका बेसिकली दो लेवल पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक तो ये कि हमने इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के परस्पेक्टिव में देखना है दूसरा ये कि मैं मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू गायस टू गेट मिक्स विद या टू गेट योर सेल्फ कंफ्यूज विथ मैथमेटिक्स और आर डी बी एम एस हाउ दे आर कोर रिलेटिंग उनमें सिमिलैरिटी किया है या उसमें डिफरेंस किया है तो ये इस कोर्स का मकसद नहीं है सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अभी हमने देखा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सपोर्ट है उसके अंदर हमने अभी डेटा डेफिनेशन की बात की थी यानी मैं टेबल क्रिएट कर सकू फॉर एग्जाम्पल या मैं डाटा को मैनिपुलेट कर सकू तीसरा मैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कर सकू ये तीन कॉन्सेप्ट थे ये रूल ये कहता है कि जब आपने टेबल को क्रिएट कर लिया यानी आपने अपने डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफाइन कर दिया लाइक आपने टेबल क्रिएट कर दिया आपने कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर दिया लेकिन आपने डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के अंदर यानी फॉर एग्जांपल टेबल के अंदर यू हैव टू एंटर डेटा जो डेटा है दैट्स एक्चुअल एसेंस पूरी डिस्कशन हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली इसलिए कर रहे हैं कि वी शुड बी एबल टू स्टोर डेटा तो इससे मुराद ये है कि डेटा को ऐड करने की फैसिलिटी डेटा को रिमूव करने की फैसिलिटी डेटा को अपडेट करने की फैसिलिटी इज द कोर सपोर्ट जो आर में होनी चाहिए इससे मुराद यह है कि ना सिर्फ डेटाबेस के टेबल्स या डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की फैसिलिटी यू शुड बी एबल टू ऐड डेटा टू द टेबल और व्यू यू शुड बी एबल टू रिमूव द डेटा फ्रॉम टेबल और व्यू एंड यू शुड बी एबल टू अपडेट द डेटा From the table or underlying view, that's the first, that's a first point, and that's a very very strong point. Again, just to reiterate, ki jitne ye main operations ki baat kar raha hu insert, update, delete, इनको हमलोग basically DML बोलते हैं data manipulation language. इसकी support ना सिर्फ database level पे होनी चाहिए, यानी third uh, uh, tier के ऊपर होनी चाहिए, इसकी support application programmer को भी होनी चाहिए, यानी इस जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल हम पी में लिख रहे हैं पी के थ्रू फॉर एग्जाम्पल आई शुड बी एबल टू यूज इंसर्ट अपडेट डिलीट फ्रॉम द थर्ड ईयर या जो इमारी डेटाबेस या जो हमारी डेटा लेयर है या जो डेटाबेस की लेयर है उसको मैं बिजनेस सॉलिक से एक्सेस कर सकूं यूजिंग दीस थ्री कंस्ट्रक्ट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट तो ना सिर्फ डेटाबेस लेवल पे इसकी सपोर्ट होनी चाहिए इसकी सपोर्ट बिजनेस लॉजिक वाली लेयर के ऊपर भी होनी चाहिए दैट्स फर्स्ट पॉइंट नाउ नाउर कम द सेकेंड पॉइंट और यहां पे आपको बेसिकली मैथमेटिक्स की जो सपोर्ट है या जो उसका लिंक है विद कोड वो मिलेगा मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है सेट का और सेट का मुझसे मुराद ही होती है कि आपके पास एक सेट है उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं और हम सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशन या रिलेशनल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं लाइक like, इंटरसेक्शन uh, है यूनियन है डिफरेंस है अब ये चीजें हमने मैट्रिक में पढ़ी होंगी और ट्वेल्व ग्रेड में पढ़ी होंगी एफ एस सी में पढ़ी होंगी तो मैं रिपीट नहीं कर रहा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी हाँ कोई आर डी बी एम एस क्लेम करेगा कि इट इज एन आर डी बी एम एस तो ना सिर्फ डाटा क्रिएट करने की ऑप्शन डाटा डेफिनेशन ना सिर्फ डाटा मैनिपुलेट करने की सपोर्ट यानी इंसर्ट अपडेट डिलीट ना सिर्फ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की सपोर्ट यानी कमिट सेफ पॉइंट रोल बैक ऑन टॉप ऑफ इट

तो जब हम ये कह रहे हैं कि वी आर सपोर्टिंग अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल तो इससे मुराद ये है कि आई शुड बी एबल टू परफॉर्म सम सपोर्ट विद सम सपोर्ट ऑफ मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग मल्टीपल टेबल्स यानी इंटरसेक्शन होगा यूनियन होगा डिफरेंस होगा तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनडायरेक्टली कह लें जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डी बी ए में सपोर्ट करेगा उसमें इंटरसेक्शन यूनियन एंड डिफरेंस उसकी सपोर्ट भी मौजूद होनी चाहिए जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस जो भी हम आर डी बी एम एस पढ़ेंगे यानी ऑरिकल हम इस कोर्स में आगे जाके पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम एक्चुअली इंटरसेक्शन यूनियन और डिफरेंस को इंप्लीमेंट करके देखेंगे विद मल्टीपल टेबल्स एंड विद अ क्वाइट लॉट ऑफ डाटा और हैंड्स ऑन करेंगे न्यो थ्योरी ओनली हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करेंगे देन यू विल गेट टू नो के uh, मैं क्या कह रहा हूं सिर्फ एक चीज एंड में बोलूंगा कि देर इज वन एडिशनल रूल जो कि ई एफ कोड के ट्वेल्व रूल्स में नहीं है लेकिन ओरकल uh, के स्पेसिफिक या रिलेशनल uh, जो ये ये सपोर्ट है इंटरसेक्शन यूनियन और डिफरेंस की एक एडिशनल रूल है जो कि आर टी बी एम एस सपोर्ट करता है बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोड रूल्स दैट्स टू डिस्कस इट हेयर